तो आज हम आपके लिए फाइनली एक ऐसा प्रोडक्ट लाए जो आपके स्लो वाईफाई को बहुत ही फास्ट बना देगा। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है और लेकिन आपका करंट वाईफाई जो है वो आपको स्पीड कम दे रहा है, तो उसका सोल्यूशन है ये राउटर। दोस्तों मेरे घर पे 100 Mbps का वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन वो स्पीड देता है करीब 5 से 20 Mbps के बीच में, जो कि बहुत ही कम है। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने TP-Link का Archer AC1200 वाईफाई राउटर मंगाया। दोस्तों मेरे पास मल्टीनेट का इंटरनेट है, जो राउटर प्रोवाइड करता है या मॉडेम प्रोवाइड करता है वो उतनी स्पीड नहीं दे पाता, तो इस रीज़न से मेरे वाईफाई की स्पीड बहुत स्लो चल रही थी और मैं काफ़ी परेशान हो रहा था। तो इसके सॉल्यूशन में मैंने ये प्रोडक्ट ढूंढा, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट फाइनल किया है। दोस्तों ये डुअल बैंड राउटर है और इसमें 4 एक्सटर्नल एंटीनाज है। ये स्पीड देता है अप टू 867 Mbps 5 GHz पे और 400 Mbps 2.4 GHz पर। इसमें 5 GB पोर्ट्स हैं, इसने मेरे वाईफाई की स्पीड काफ़ी हद तक बढ़ा दी है। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपके घर पे वाईफाई है और वो अच्छी स्पीड नहीं दे रहा है तो आप इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं। मैंने उसको फिगर आउट किया था तो वो यही था कि मेरा जो कंपनी से प्रोवाइड किया हुआ मॉडेम या राउटर था उसके कारण मेरे को अच्छी स्पीड नहीं मिल पा रही थी। तो ये राउटर इंस्टॉल करने के बाद मुझे काफ़ी अच्छी स्पीड मिल पा रही है। और जो कंपनी ने राउटर दिया था वो सिंगल बैंड राउटर था और ये डुअल बैंड राउटर। मैंने इस राउटर को मंगाया क्योंकि मेरा घर 2 फ्लोर का है, तो दोस्तों मुझे ऊपर भी नेटवर्क चाहिए होता है और नीचे भी नेटवर्क चाहिए होता है, तो इस रीज़न से मैंने यह राउटर चूज़ डुअल बैंड वाला। दोस्तों इसको इंस्टॉल करना भी बहुत ईजी है, आप अपना राउटर हटाकर या फिर उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं तो एक्सटेंड कर सकते हैं। वैसे मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आप एक्सटेंड करें, आप अपने राउटर को हटाकर इसको वहाँ पर लगाएं और अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करके इसकी सेटिंग्स करवा दें, जिससे कि दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी स्पीड मिलेगी। और ये सेटिंग्स आप खुद भी कर सकते हैं अपने सर्विस प्रोवाइडर से कॉल पे बात करके। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ब्लैक कलर में मैंने मंगाया और इसके साथ में यूजर मैनुअल आई है। और इस बॉक्स को लेकर तो ये केबल है कनेक्टिंग के लिए और एक अडेप्टर है जिससे कि पावर मिलेगी। गाइस आपको अगर इस राउटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट पर पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करूंगा और आपके कंफ्यूजन को दूर भी कर दूंगा। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये राउटर कनेक्ट करने के बाद मेरा वाईफाई क्या स्पीड दे रहा है और ये स्पीड देख के सच में मेरे तो बहुत छूट गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।